अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप ठीक ठाक होंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी करें, दूध का दूध और पानी का पानी। आज स्पेशल 40 मिनट की वीडियो हो, आप लोग खाना खोना खाएं, चाम से चिल करें, उसके बाद आके देखनी हुई तो देखिएगा, पूरी देखिएगा, ठीक है जी। अपने सारे जो फ्राइज होते हैं, किसी ने नमाज पढ़ी, सब कुछ करके आके आराम से बैठ के जब एक दफ़ा फ्री हो जाएं तो आप ये वीडियो देख लेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ 40 मिनट की होगी, लेकिन हो सकती है 25 मिनट तक की वीडियो ये आपको देखने को मिल सकती है। और आप कहेंगे कि आप बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक देख लेगा प्लीज़। चलिए ठीक है, आज तीन चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सबसे पहले मैं आपको दूंगा अपनी 30 मेंबर स्क्वाड, जो कि मैं जिसको अगर मैं पीसीबी में होता, अगर होता जो कि मैं नहीं हूँ, जो कि मैं होना भी नहीं चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से ये नहीं कहूँगा कि ये टीम होगी तो जीत ही जाती, ये टीम होगी तो शायद अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलती। अपना कैप्टन बताऊँगा मैं आपको, 30 मेंबर स्क्वाड दूंगा। वो सिर्फ इंग्लैंड की नहीं होगी, वो होगी कि यार अगले 6 महीने के अंदर जो मर्जी टूर है, इसमें से 30 लड़कों में से आप कोई उठा सकते हो, भी या T20 और टेस्ट का। अब आप सोच रहे होंगे 30 लड़के सिर्फ पाकिस्तान में और हैं कितने, मतलब 30 लड़के मुश्किल से मिले हैं, वो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग प्लेयर नहीं होगा कि यार ये चलो जल नहीं रहा है तो सही मशरफ को टीम में डाल लो यार, प्लेयर पूरे कर दें, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखें ऐसे हमने नहीं किया, तो ये सीन। उसके अलावा काफ़ी लोग कह रहे हैं यार मिसबाह को निकाल दो, बाबर आसिम को निकाल दो, वकार यूनस को निकाल दो, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। क्या शाहीन शाफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है उसके ऊपर बात करेंगे, क्या बाबर आसिम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है उसके ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है जो कि हम आज आपके साथ करेंगे। और बात करेंगे क्या पाकिस्तान अगला मैच जो सीरीज होने जा रही है T20 की, वो जीत सकता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी लेटेस्ट क्रिकेट की न्यूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स की, फुटबॉल भी अब हम करेंगे कवर इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल, चाहिए आपको तो ज़रूर बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको भी आप लोग प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा। हम रीच करना चाहते हैं कि 4000 सब्सक्राइबर्स इस सीरीज़ के जो है ना एंड तक, मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले स्क्वाड से बात करते हैं, सबसे पहले मिसबाह साहब से शुरू करते हैं बात। कल पाकिस्तान हारा और अब उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अब एक ही पाकिस्तान के अंदर चीज़ चल चुकी है कि मिसबाह को निकालो पाकिस्तान क्रिकेट को बचाओ, वकार यूनस को निकालो पाकिस्तान क्रिकेट को बचाओ, और बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं आती है। तो देखिए भाई, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को फजूल में किसी की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालूंगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि आप सब लोगों ने भी देखे होंगे, उनके ऊपर बस बात होगी। उसके अलावा अल्लाह ना करे कि मैं किसी की इज्जत में, कौन होता हूँ इज्जत देने वाला, वो ऊपर बैठा हुआ है वो देंगे, इज्जत में कौन होता हूँ वो ऊपर दें वो देंगे, तो इसलिए हम किसी की इज्जत पे कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो फैक्ट्स हैं उसके बाद हम बात करेंगे किसको निकलना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान मैनेजमेंट के अंदर, वो जो मर्जी हो जाए ना, जब तक पीछे से नहीं सही होता है तब तक कुछ नहीं होगा। या सिस्टम जो जरे है ना, जैसे वहाँ से ख़राब है ये सिस्टम, ये बहुत पीछे से सिस्टम ख़राब है। ये जो बोर्ड में बैठे हैं लोग, उनका आप पास देखिए, उन्होंने पाकिस्तान की क्या सर्च किया। मैं फिर से ये नहीं कहूँगा यार ये देखो पर्चे नहीं, वो छोड़ें आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं ना, ये नहीं कह रहे यार ये पर्ची लगाते, वो इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। क्या परफॉर्मेंस है इनकी, एहसान मानी साहब की क्या परफॉर्मेंस है, जो 10-10 साल से बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, नाम नहीं मिलूंगा किसी का, जो बैठे हुए हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ वही नाम सुन रहा हूँ यार मैं, तब से वही नाम सुन रहा हूँ मैं, वो क्या कर रहे हैं सर। 14 साल से आप एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए अपने कप्तान की वजह से, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा फिर एहसान मानी साहब, सर आप नो डाउट आपने टीम्स को पाकिस्तान लाए और दैट्स अ रियली गुड थिंग, आप पाकिस्तान के अंदर टीम्स को लाए हैं बाहर से, एंड वी एक्चुअली अप्रिशिएट यू ऑन दैट, बट आप बाकी कर क्या रहे हैं वो समझाए ना आप हमें, मतलब परफॉर्मेंस किधर जा रही है पाकिस्तान टीम की, मेरिट किधर नज़र आ गया आपको, डोमेस्टिक का क्या हाल हुआ चले हुआ। तो हमारे पैटर्न इन चीफ खान साहब ने किया कि डोमेस्टिक में हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, जहाँ पर दो नुकसान हुए हमें, सबसे पहले दो नुकसान,
पहला नुकसान हमें ये हुआ कि जो क्रिकेटर्स को सैलरी मिलती थी वो सैलरी उनको मिलना बंद हो गई। तो आती कांग्रेस को क्या यार पैसा भी नहीं मिलना, माँ बाप ने कहा घर बैठे यार पैसा क्या है, मतलब घर भी चलाना होता है, गरीब लोग रहते हैं पाकिस्तान में, तो आते लोग तो उस पर कहना बंद हो गए। जो टैलेंट आता था ना गाँवों से उठ के, पता नहीं कहाँ गली से उठ के टैलेंट आता था, वो आना बंद हो जाएगा ना इससे, उनको यार यहाँ पे पैसा नहीं है घर भी चलाना होता है, हमने चूल्हा कैसे चलाएंगे अपना, तो वो बंद हो जाते इससे टैलेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने कंपटीशन लेवल अपने हिसाब से बढ़ाया है, लेकिन आपने प्लेयर्स की जगह ही ऑफिस छोड़ी है, बड़े प्लेयर अब खेलने को तैयार नहीं है आपके यार, ऐसे लोग देखेंगे क्रिकेट को डिपार्टमेंटल बंद होगा तो कोई नहीं देख रहा सर, टीमों से भी फर्क पड़ता है, नामों से, क्वालिटी से फर्क पड़ता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तानी इतनी विटालिटी ब्लास्ट देखते होंगे ज़्यादा, चले विटालिटी चोर काउंटी क्रिकेट के लिए ज़्यादा वो लोग रिसर्च करते होंगे कि हमने काउंटी क्रिकेट कैसे देखनी है, ना कि वो जो आपकी हो रही होती है कायदे आज़म ट्रॉफी, वो देखने के लिए कोई नहीं आधा घंटा रिसर्च करेगा यार किस चैनल तक मैं देखने आया है, वो कोई नहीं करेगा। वो करेंगे क्या, खोलेंगे वो खोलेंगे काउंटी, काउंटी में उनको एक बंदे का नाम नहीं पता, उनको क्या ताल्लुक सरे से, वो भाई मोस्ट स्टार्स को देखना चाहते हैं अपने, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो अच्छी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी देखना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते कि टीमों का क्या नाम है। ठीक है, वो PSL में होता है वो होने दो उसको। तो ये दो नुकसान हुए सबसे बड़े। अभी कौन देखता है आपकी क्वालिटी इंप्रूव करें ना, आप पिचेस की क्वालिटी इंप्रूव करें, आप ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी इंप्रूव करें, और वही 10 साल पुराना स्कोर आपने लगाया होता है वो जो नीचे लगा होता है स्कोर, वही 10 साल उसको इंप्रूव करें ना, कि आप ऑटोमेटिकली बंदे काम कर दें यार, क्वालिटी कम होगी, प्लेयर्स की क्वांटिटी कम होगी, कोई खेलता ही नहीं है। ये दूसरी चीज़। ठीक है जी, तीसरी चीज़ हमारे जो कप्तान साहब में ये बात हो रही थी, इस पर बाबर आजम की नथिंग टेकिंग, इसमें बाबर आजम की गलती भी कोई नहीं है ना, एक्चुअली गलती है जो मतलब ये फिर इल्ज़ाम हो जाएंगे कि सारे समय की गलती उनकी है जिन्होंने भी इस टाइम पे बाबर आजम को कैप्टन बनवा दिया। गलती क्या बाबर आजम, बाबर आजम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद आज तक कैप्टनसी की है नहीं किया बाबर आजम ने कैप्टनसी, तो आप उसको सीधा इंटरनेशनल में डाल रहे हैं, वो सीखेगा कहाँ से, डोमेस्टिक उन्होंने 2018 से खेला नहीं है, लिस्ट का कोई मैच नहीं खेला 2018 से बाबर आजम ने, शुदाब खान ने 2017 से नहीं खेला लिस्ट का कोई मैच, आयरिश लोग तो वैसे नहीं खेलते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ODI खेल रहे हैं हम, लेकिन लिस्ट का कोई मैच नहीं खेला है बाबर आजम ने 2018 से, और एज कैप्टन सेंट्रल पंजाब के वो कैप्टन है, लेकिन सेंट्रल पंजाब की तरफ से वो खेलते नहीं, ना ODI खेलते ना कायदे आज़म ट्रॉफी खेलते, तो क्या प्रूव करता है, ये सीखने का कोई जगह ही नहीं है, सीखेंगे किधर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, दुनिया में कहाँ होता है कि यार सीखते हो आप डोमेस्टिक से हो, PSL से सीखते हो, काउंटियों से सीखते हो, आप आके पाकिस्तान में यार अंदर आओ या टीम के अंदर जाके कैप्टनसी सीख ले। अभी मिस्टर मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा यार, मतलब चलो मैं मानता हूँ कि लर्निंग फेज सारी जिंदगी चलता है और वो होता रहता है, बट एटलीस्ट 50% बंदे को सीखा होना चाहिए यार, जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स होते गेम आनी चाहिए। तो फिर से फैक्ट के ऊपर बात करेंगे हम, इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, फैक्ट ये कि कल जब आपको 4 रन रह गए थे इंग्लैंड के, तब अगर कैप्टन थोड़ा सा भी बेसिक समझ तो होना है कुछ, वो कहते हैं यार सारे अंदर डाल दो, आई डोंट केयर क्या हो रहा है, सारे अंदर आओ, अगर कैप्टन को समझ तो नहीं पता था उनको, सारे बाहर खड़े हैं फील्ड, क्या बात हुई है, किधर के कैप्टन से इतनी बेसिक तो है ना, अच्छा थोड़े से अंदर ले आया फील्ड, सारी बाहर खड़े किए हुए ये भी नहीं किया, तो इतना बेसिक जो होता है ना, इसको मैं बेसिक की टाइमलाइन दे रहा हूँ कि इतना पता होना चाहिए कैप्टन को। ठीक है जी, तीसरी चीज हो, अब आते हैं चौथी चीज के ऊपर, अब आते हैं टॉपिक पे, मिस्टर मलिक ने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी, नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट ठीक, इस पे पहले भी बात कर दी मैंने, नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट ठीक जब तक प्लेयर ही मेरिट पे नहीं आएंगे, जिस मर्जी को निकाल दो नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी ना, क्या ईशान वाजा ने टेस्ट में क्या कर रहा है, क्या क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन का, ये फैक्ट नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, ये फैक्ट है भाई, ये सबको नजर आ रही है, ये पूरी पाकिस्तान की कॉम को नजर आ रहे हैं, शाहनवाज धानी टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, किस में परफॉर्म किया उसने, मैं मानता हूँ टेस्ट के लिए हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए वो बनेगा, परफॉर्म किस में किया उसने, सोएब मकसूद ODI के अंदर क्या कर रहे हैं, T20 से वो खेल क्या है, T20 के वो प्लेयर है, प्रो T20 प्लेयर है, प्योर मैंने इसके यार मतलब पेपर दे दिया मेरा टीम वाला, तो उनको क्या कर रहे हैं आप ODI के अंदर, शोएब मलिक चले इंग्लैंड में नहीं वो परफॉर्म करते, मैं भी अजीब हरकत करते, शोएब मलिक उधर साइड पर है, अच्छा और कौन है आपके पास, आजम खान PSL में फेल हुए, उनको भी रख लिया हमने T20 के अंदर, जो फेल हुआ उसको T20 के अंदर रख लिया, मतलब ये तो क्राइटेरिया हमारा,
करनी है। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं सही होगा कि यार एक मेरा एक तेरा, ये नहीं सही होगा। क्राइटेरिया डिफाइन करें आप, मुझे पता पीछे से ऑर्डर आ रहा होता है, लेकिन क्राइटेरिया डिफाइन करें। और पीछे में जाकर क्राइटेरिया डिफाइन करें, वो नहीं है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस बॉल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो कानून रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आई एग्री ऑन दैट एज वेल। ठीक है, फिर मिसबा को जब 16 लड़के मिले या 18 लड़के मिले, मिसबा ने उसमें से टीम बनानी है, और उसमें से और वो क्या टीम बनाए। मैं मां तो बड़े चेंजेस होने वाले थे, सिर्फ राज को नहीं खिला रहा, ईगोस्टिक हो गए मिसबा साहब। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन ये कहना कि ईगोस्टिक हो गया, ये भी एक इल्ज़ाम होगा, तो इस पर हम रहने देते हैं। लेकिन फिर मेरिट के ऊपर सिर्फ राज की जगह टीमें बनती थी, बिल्कुल बनती थी। मेरिट के ऊपर स्नैन की टीम में जगह बनती थी, बिल्कुल बनती थी। मेरिट के ऊपर टीम में मानसिंह की जगह बनती थी, बिल्कुल बनती थी। प्लेइंग 11 मेरिट के ऊपर हरीश रॉफ की टीम के अंदर जगह बनती थी, नहीं बनती थी। मेरिट के ऊपर इस टीम के अंदर मामूल हक की जगह बनती थी, नहीं बनती थी। मेरिट के ऊपर इस टीम के अंदर शदाब खान की एज अ वाइस कैप्टन जगह बनती थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। तो भाई मेरिट के ऊपर ना जो फैक्ट है, क्या परफॉर्मेंस हरीश रॉफ की बताऊं मैं आपको। 4 विकेटें ले ली, 80% विकेटें उनकी बाउंड्री पे कैच हो रहे होते हैं। वो फिल्प सॉल्ट को आउट नहीं किया गया, सब फिल्प सॉल्ट आउट होके गए थे। ये समझना पड़ेगा हमारी कॉम को, हमारी कॉम को भी, मतलब ये कॉम की भी इसमें गलती है। 4 आउट करके क्लास का बॉलर है, 4 आउट करके कमाल हो गया। ऐसा नहीं होता है सर, कहीं नहीं होता दुनिया में कि 4 आउट करने के बाद कमाल का बॉलर बन जाता है। 4 आउट करता है कैसे करता है, ये सवाल होता है। आप ये वाक चुरा लेती है ना, 4 आउट की एग्रेशन चेक करो भाई का, कोई कमाल का बॉलर है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। लर्न करिए यार, हारे सिर्फ लर्न नहीं कर रहे हैं, लाइन उनकी वही 3 आउट किया इसमें। कंसिस्टेंट यार, कंसिस्टेंसी तो है ना यार, देखो ये गलत बात। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंटली वो पीछे बहुत पिछ करिए यार, कभी आगे कर देते हैं गलती से। तो भाई सीखना कहाँ से है फिर? हम कहते मैं भी गेम में मानता हूँ, सीखेगा कैसे वो? हमने सीधा उसको PSL से उठा के डाल ही कर दिया। कंसिस्टेंसी लाइन लेंथ की कहाँ से आती है? प्रेशर से आती है। प्रेशर कहाँ से आता है? डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है। डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ से आता है? खेलने से। खेला तो है नहीं डोमेस्टिक कभी, टेस्ट मैच खेला तो है नहीं सर ने आज तक। क्या कर सकते हैं आप, खेलने जाके टेस्ट क्रिकेट खेलें यार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें आप। अभी नहीं है टाइम उनका टीम के अंदर आने का। हसनैन इज मोर डिजर्विंग देन हारिस रऊफ। इंशाल्लाह वी होप सो, हो ऐसा कि फ्यूचर में हारिस रऊफ हमारे लिए एक कमाल किस्म की बॉलर साबित हो। आई होप सो, एवरी वन शुड होप सो कि ये हो, बट अभी के लिए नहीं है। दैट्स क्वेश्चन मार्क, दैट्स आवर फुल स्टॉप। ठीक है, अगली चीज इमामुल हक 50 की एवरेज है, नो डाउट कमाल। क्या रिकॉर्ड्स है इंग्लैंड के अंदर सिवाय 2-3 इनिंग्स के, जितने परफॉर्म करते उधर खिलाओ ना। मैं मानता हूँ इंग्लैंड में उन्होंने एक तरह अच्छी इनिंग्स खेली, कल भी 50 रन कर लिए अपने यार, मतलब फिर एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन क्या साफ नहीं, ये एग्जाम नहीं है। देखो यार, ये देखो साबित हो रहा है इससे, हर सीरीज में आखिरी मैच में चलते हैं। मतलब कुछ 6 सीरीज तो ऐसी होंगी जिसमें आप आखिरी मैच में 50 कर देते हैं, हैं यार। इसका जवाब मैं आखिरी मैच में, आपको क्या करंट सा लगता है कि आप 50 करते हैं? मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जान के जगह बक्की करने के लिए करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ यार, इमाम साहब आए आप जवाब दें, या इंजमामुल हक साहब आके जवाब दें। दरअसल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, बस इसका जवाब देते आप। अगला प्लेयर शताब खान, एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के अंदर है। आया, मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया। आप मेरे न्यूजीलैंड टूर वाली वीडियोज देख लें जाके, मैंने कहा शताब को ही कैप्टन होना चाहिए। यार बैटिंग कैसे कर रहे हैं आप? चले बैटिंग तो उनका वही नहीं है ना, यॉन्द्री का बैटिंग उनका डिपार्टमेंट ही नहीं, तो बॉलिंग उनका डिपार्टमेंट है। बेशक बेहतर बॉलिंग की उन्होंने पिछले मैच में, बेहतर बॉलिंग की, अब बेहतर हो रहे हैं। लेकिन क्या तीनों मैचेस खेलने वाली परफॉर्मेंस थी? क्या उस्मान कादर की एज अ जेन्युइन स्पिनर टीम में जगह बनती थी कि नहीं बनती थी? क्या जिस, ये देखो शताब को क्यों खिलाया था? ऑलराउंडर है, बैटिंग से कितना कैच दिया शताब खान ने आपको? ठीक है, नहीं दिया ना, तो उससे बेहतर आप एक जेन्युइन स्पिनर खिलवाएं उस्मान कादर को। वो बॉलिंग जेन्युइन स्पिनर है ना, उसको खिलाएं। राधे दन गोएंगे यार, बैटिंग करते क्या नहीं करते देंगे बैटिंग? वो लग ही नहीं रहा है कि मतलब बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, यही सारे प्लेयर्स तो हो गए, अब सरफराज अहमद, इनकी टीम में जगह नहीं बनती है? नहीं बनती है सर, बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि 50 की एवरेज तो इनकी भी है। ठीक है, लॉर्ड्स में 105 रन तो इन्होंने भी किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजूहत है यार, क्योंकि इतनी अच्छी वो जितवा देना था ना, इसलिए जगह ही नहीं बनती है। चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, वर्ल्ड नंबर 1 बनवा क्या, इसलिए जगह नहीं बनती है? नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती।
चलो यार ये हो गया ओडीआई का, टी ट्वेंटी के ऊपर बाद में पोस्टमार्टम करेंगे, अब तो उनकी पूरी स्क्वाड भी आ चुकी है। ठीक है अच्छा अब बात करते हैं मिसबाह उल हक को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। मिसबाह उल हक को चाहिए, अब आओ बैठो छुट्टी कर, सिंपल, क्योंकि अब बहुत हो चुकी है उनकी भी, लोगों ने उनकी इज्जत को मतलब कैसे किया है वो भी बुरी चीज़ है, ये नहीं कि वो अच्छी चीज़ है कि वो जो उनकी इज्जत को ऐसी हवा में उछाला जा रहा है, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बैड, बट हाउ मिसबाह हैज़ परफॉर्म्ड दैट इज़ बैड। बात करें आप बात ये बात ना करें इसने अपना लड़का खिलाया कि इल्ज़ाम आता लगाया, आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें ना, परफॉर्मेंस में उनकी जगह नहीं बनती है। शुरू अब वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहते हैं कि यार हमने सीरीज जीती भी तो है, तो वो भी तो सर आप बताएं, मैं दोनों बताता हूँ सर आपको, दोनों के ऊपर बात करेंगे, चलें खुश हो। पहली सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान 3-0 से T20 सीरीज आ रहा, ODI सीरीज जीत गया था बैंगलोर, ये 3-0 से T20 सीरीज आ रहा, टीम कौन है श्रीलंका, कौन सी बी टीम, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया ने आपको, जैसे इंग्लैंड ने हाल किया ना, वो चले टीम से तो ज़्यादा बात नहीं हुई, बुरी तरह घर भेजा यार, जाओ जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलने आप, तुम लोग 500 रन मार रहे हैं ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर, जाओ जाओ कौन बॉलिंग करते हो तुम लोग, जाओ निकलो। न्यूजीलैंड में भी आपके साथ यही हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड में आपके कप्तान रिजवान साहब की बुराई है कि जी रिजवान साहब ने एक T20 भी आपको जितवा दिया, टेस्ट में भी थोड़ा सा इंटेंट दिखा दिया, तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान। न्यूजीलैंड में निस्बतन बेहतर खेला, लेकिन आप हारे दोनों सीरीज हारे आप। साउथ अफ्रीका ODI सीरीज जीते, ये बात नहीं करूंगा, बी सी टीम थी आपने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में पहला मैच आपने उनकी ए टीम को भी हराया, हैट्स ऑफ टू मिसबाह 11। दूसरा मैच आप हारे ए टीम से हारे, क्योंकि वो पता नहीं है वो अलग बात थी, मैं बोलूँगा फिर लोग के। तो आखिरी मैच जीत गया आप लोग, सीरीज जीत गए, बाबर ने भी आए थे 100 करने, इमाम ने फख्र ने 100 किया था उस मैच, जीत गया आप लोग। T20 सीरीज पहला मैच आप हारे, नहीं दूसरा मैच है हारे, तीसरा आप लोग जीत गए और सीरीज जीत गए क्योंकि बी टीम थी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप एक T20 हार गए, एटलीस्ट यार पिछले कोच जिम्बाब्वे से नहीं हारते थे यार, ऐसी बात ना करो, जिम्बाब्वे से आप एक सी मैच हार गए, टेस्ट मैचेस तो चले आपने हराए दिए, अब टेस्ट भी हार देते तो मैं उसी वक्त रिजाइन दे देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में, आपने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के अंदर हराया, एंड दैट्स रियली रियली गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये कहना कि यार होम में तो भाई सारी टीमें होम में जीतती है, हमने जीत लिया तो क्या हो गया, साउथ अफ्रीका होम में जीतती है, वेस्ट इंडीज जीतती है, सारी जीतती है तो हमने भी जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हमने हराया, एक T20 खेल वो लोग जीत गए तो ठीक है गुड हो गया, एक सीरीज हमने जीती कन्विंसिंगली, वो जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था वो दोनों फॉर्मेट्स में हमने जीत लिया। उसके अलावा कौन सी सीरीज हमने कोई सीना कंट्री से, कोई इंडिया जैसी टीम से जीती हो वो आप मुझे बताते, तो हम कहीं यार आपको एक सीरीज और देते वेस्ट इंडीज बनने के बाद, नहीं है ना, ये मैंने जीतने वाली भी पाई है मैंने सर, मैंने मैंने कोई हिपोक्रेसी नहीं की है जो बाकी जर्नलिस्ट, मैंने सारा कुछ बताया मिसबाह साहब, अब आप बताएं दिल पे हाथ रख के बताएं क्या आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल है, क्या आपको अगले एक साल तक वर्ल्ड कप के तक, अगले वर्ल्ड कप तक, चलो इस वर्ल्ड कप तक तो शायद हो ही जा रहा वाला रखा जाए, नहीं ना नहीं है ना परफॉर्मेंस पे बात, कोई जानने की ये प्लेयर होता है परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, बेसिक्स ही नहीं है, मतलब आप उनको बताएंगे यार इंग्लैंड में एक फुट आगे आके बैटिंग करनी है, नहीं बता रहे आप आगे बॉल पिच करके, चलो वो बकाए उसका डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन सारी गलती मिसबाह उल हक की नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने बात की फिर बात करूंगा, सारी गलती मिसबाह उल हक की नहीं है, ज्यादा गलती प्लेयर्स की है, खेलता कौन है प्लेयर्स, मिसबाह जाके खेलता है नहीं, क्या कर रहे हैं फील्डर्स, शिदाब खान ने बेशक अच्छा कैच पकड़ा, देखो यहाँ पे सीधी बॉल आ रही है, ये मिसबाह ने यार आप बताओ ये मिसबाह ने सिखाना है उसको, सीधी बॉल आ रही है वो उधर टाइम, शिदाब नहीं थे या जो भी थे फैन में ऑर्डर, लेकिन ये मिसबाह ने सिखाना है या ये स्कूल के कोच बल्कि ये तो खुद इंसान को पता होना चाहिए, वो बेसिक्स नहीं है या तो आपके रिफ्लेक्सेस इस काबिल नहीं है कि आप फील्डिंग कर सकें, कुछ तो है ना भाई, शिदाब नहीं थे या नहीं थे आई एम नॉट श्योर आई मीन नहीं मतलब आई थिंक शिदाब नहीं थे या जो भी थे, लेकिन ये कोई तो था ना पाकिस्तान टीम का ही था ना, किसने बताना है, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग हो रही है फजूल किस्म की, कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल, मिसबाह हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, वकार हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, अब बॉलर्स को इतना पता होना चाहिए ना कि जो सीम बॉलर है उसने कैसे सीम करना है बॉल को,
वही नहीं पता फहीम अशरफ को, वही नहीं पता हारिस रघु को, चलो रहने ठीक है। तो मिस्टा को मेरे हिसाब से निकाला जाना चाहिए, परफॉर्मेंस इस लाइक नहीं है कि उनको रखा तो ये नहीं कि हम उनकी जॉब के ऊपर कर रहे हैं कि उनका रोजगार है, चलता रहे, लेकिन यार रामबा पैसा तो ना खाओ ना, हलाल पैसा खाना चाहिए ठीक। तो बिल्कुल हम मिसबा के अगेंस्ट चाहिए, मिसबा को आप और कोई जॉब दें, आप नीचे वाले लेवल से सारे कोचिंग के कोर्स करके आए मिसबा अलग ठीक है। बाकी लोग ज़्यादा डिजर्व नहीं करते जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी कोर्स करते करते और सारी ज़िंदगी में अपने कोर्स ही करते रहे, या वो ज़्यादा डिजर्व करते जिन्होंने एक 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 ग्रेड का कोर्स किया। तो यार सिंपल बात है, मतलब नहीं आगे कोच जगह बनती है मिसबा अलग साहब की। फिर आते हैं आप टीम के ऊपर, चलो पहले मैं कार्य पर बात करती, पांच दफ़ा पाकिस्तान की फैन मॉडल होंगे कार्य मस कोच रहे, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, जो बैटिंग करनी बॉलिंग कोच, हेड कोच, कोई एक प्लेयर पाकिस्तान को वकार यूनुस ने नहीं दिया। मोम में बात नहीं करूँगा क्या साजिश की, इल्जाम कर रहे नहीं लगाने, हमने जवाब देना, हमने इल्जाम प्रूफ भी करना होगा, प्रूफ हमारे पास है नहीं, मतलब असल में नज़र तो वही आता है लेकिन प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ के बगैर बात नहीं करनी है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। कौन सा प्लेयर बना के दिया पाँच साल में, पाँच साल में मैं कहता हूँ किसी को भी भेज दो यार, एक प्लेयर तो आपको बना के देगा, कौन सा प्लेयर उल्टा बर्बाद देखे, बर्बाद होते हुए हमने काफ़ी प्लेयर्स को देखा यहाँ पर, और उनकी एग्जाम्पल है, उनका प्रूफ है कि ये वकार यूनुस के टेन्योर में ही हुआ था। अच्छा जी कौन सा प्लेयर बनाया, नहीं बनाया, बॉलिंग किसको सिखाई, फहीम अशरफ को ये नहीं बताया कि यार आगे पिच करो, अजहर महमूद बता रहे थे, ट्वीटें कर दी अजहर महमूद ने, कर आगे पिच कर ले, ज़्यादा वहाँ से पे दूँ, और वकार यूनुस बैठ के कुछ नहीं बता रहे। देखें हारिस रऊफ को कौन बताया कि लेंथ लाइन, चलो उसमें तो हारिस रऊफ की ज़्यादा गलती है जिसने सिलेक्ट किया उसकी ज़्यादा गलती है। फिर शाहीन को कौन बताया यार बैक ऑफ लेंथ बॉल नहीं करनी है, सीम करो, आगे पिच करो, कौन बताएगा शाहीन शाहरीदी को, ये कौन बताएगा शाहीन को, ये नहीं बताया किसी ने भी ठीक है जी। फिर इस परफॉर्मेंस के बाद दो साल में कोई बॉलर ना सही हुआ, ना तीन मैचों में कोई लेंथ में फ़र्क पड़ा, वकार यूनुस को परफॉर्मेंस के ऊपर इस टीम के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ वहाँ पाकिस्तान की देखती है, अपना वक्त ज़ाया करती है, तो नहीं होना चाहिए, और वकार यूनुस को भी रिज़ाइन देना चाहिए या उनको सैक किया जाना चाहिए, इन दोनों की बात हमने कर ली। परफॉर्मेंस के ऊपर बात, कोई इल्ज़ाम आपने किया इसने अपना ये प्लेयर खिलाया इसने ये साजिश, नहीं नहीं जो बात है वो परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा जी फिर सारी गलती यहाँ पर भी वकार यूनुस की नहीं है, फहीम अशरफ को खुद नहीं पता कि कैसे बॉल सीम करते हैं, भूल गए थे वो, क्या हुआ, सारी गलती नहीं है ना इनकी, प्लेयर खुद खेलने गए हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो भाई, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आपको नहीं पता यार, मुझे पता है यार, क्या बोलूँ मैं, मतलब सारी गलती इसमें भी बता रही हूँ इसकी नहीं ठीक है। फिर आप आए टीम के ऊपर, टीम पर हमने शुरू में बात कर ली थी किसकी जगह बनती है किसकी नहीं बनती है, मेरे हिसाब से जो कल प्लेइंग 11 खेली उसमें किस किस की जगह बनती है टीम में वो मैं आपको बता देता हूँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन आफरीदी, शदाब खान को भी मैं प्लेइंग 11 में नहीं रखूँगा लेकिन स्क्वाड में शदाब खान को मैं ज़रूर रखूँगा, तो प्लेइंग 11 में भी नहीं, हसन अली आपके हो गए, साउथ शकील और फखर जमान, ये छह प्लेयर जो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बन सकते हैं, जो मेरे हिसाब से खेलने लगे परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड कंडीशन, इंग्लिश कंडीशन के अंदर, पाकिस्तान में आके देखेंगे आप इंग्लिश कंडीशन के अंदर ठीक है जी। ओके हो गया, तो बाकी शाहीन शाह अफरीदी जब सरफराज अहमद कैप्टन थे ना लर्न कर रहे थे सीख रहे थे, अब शाहीन अफरीदी बिल्कुल नहीं सीख रहे, शाहीन अफरीदी का जो फेस था ना वर्ल्ड पोटेंशियल था शाहीन अफरीदी में वर्ल्ड क्लास बनने का, वो सवाल उन्होंने शुरू में कहा था ना कि क्या शाहीन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बिल्कुल शाहीन के पास पूरा पोटेंशियल था कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकें, और वो पोटेंशियल अभी भी शाहीन शाह अफरीदी के अंदर है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सके, लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं, मसला सिर्फ इतना है वो सीख नहीं रहे हैं कि यार अगर आपने वर्ल्ड क्लास बनना होता ना तो आपको एक क्विक लर्नर होना पड़ता है, ये नहीं कि दो सीरीज के बाद मैंने सीखा कि अच्छा बॉल आगे पिच कर, ना ना ना, आपको अगर आपने बनना ना वर्ल्ड क्लास अगर पोटेंशियल रखना है तो आपको कोच की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे बताएगा, हर चीज में दो ही होनी चाहिए, मतलब कभी कभार तो वही बताएगा अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आपको पता होना चाहिए पांच ओवर में मैंने ये नहीं किया क्या गलती की मैंने, अच्छा यहाँ से पांच ओवर में आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने बॉल आगे करनी है, पांच भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि यार चलो जाने दो,
यहाँ पे शाहीन की गलती हुई, फिर बाबर आजम को आपने कैप्टन बना दिया। किसने बनाया? पीसीबी ने बनाया भाई, क्यों बना रही है उसको कैप्टन? चलो दो फॉर्मेट का, चलो T20 का रहने देते, ODI का कैप्टन और टेस्ट का कैप्टन भी बना दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया। जिस पॉइंट पे उनके रिकॉर्ड तोड़ने का टाइम था, उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस भी गई। PSL में देख लें, रन उनके काम नहीं आ रहे टीम के, 158 करके टीम हार रही है उनकी, क्योंकि बाकी टीम में कुछ है ही नहीं। या तो ग्रुपिंग हुई भी है, मैं कह रहा हूँ या तो हुई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुई भी है, कुछ तो है मतलब टीम के अंदर। चलो इल्ज़ाम रह रहे थे कोई ग्रुपिंग नहीं, परफॉर्मेंस पे रहते हैं, जैसे कि हमने शुरू में आपसे वादा किया था। लेकिन विदाउट एनी प्रूफ मैं इल्ज़ाम नहीं करता हूँ, लेकिन बाहर नज़र आता है कि कुछ तो गड़बड़ है टीम के अंदर। जो टीम ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है इंग्लैंड के अंदर अगेंस्ट द सी साइड, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रुपिंग ही होगी, कुछ तो हो सकता है, वो कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास उसका, बट कुछ उल्टा सीधा चल रहा है कि यार तुम मिसबा के खिलाफ है, कुछ ऐसे नजर आते हैं बायस। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मैंने क्या 30 मेंबर स्क्वाड बनाया विद प्रूफ्स, विद परफॉर्मेंस असाइड। बाबर आजम वाइस कैप्टन हो, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद कैप्टन हो, तीनों फॉर्मेट्स के नहीं हो पाता मैं आपको। शाहीन शाह, अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अब्बास को ODI में खिलाएंगे हम इंग्लैंड के अंदर। वहाब रियाज सब कॉन्टिनेंट के लिए होंगे। चलिए बल्कि ना एक एक प्लेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या इसकी थी इसमें। चलिए शुरू करते हैं। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इसकी टीम के अंदर, परफॉर्मेंस इज देयर, स्टैट्स टू सपोर्ट दैट। मोहम्मद रिजवान ग्रेट बैट्समैन, टेक्निकली बहुत साउंड है और अच्छी बैटिंग करते हैं, जितवाते पाकिस्तान को, जितवाया हुआ बल्कि इनफैक्ट उन्होंने, फिर स्विमिंग कर देते। सरफराज अहमद रियली गुड कैप्टन, एंड नॉट जस्ट रियली गुड कैप्टन, He is a really good batsman in middle order as well. अगर वो middle order के अंदर खेलते हैं तो। हसन अली a quick learner, उसके साथ साथ उनको पता था कि मैंने किधर बॉल करनी है, एक्सपीरियंस है, सही लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, विकेट्स लेते हैं, सीम करना आता है उनको बॉल को, इसलिए हसन अली। शाहीन शाह अफरीदी has the potential to become a world class bowler if he is guided well और उनकी direction सही जाती है। बाबर रियाज एशियन कंडीशंस के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर रिवर्स स्विंग की वजह से एक एज हासिल करते हैं। मोहम्मद अब्बास सीम और स्विंग ऑनलाइन बैट्समैन को तंग करके रखते हैं। शदाब खान पोटेंशियल है, इसलिए हमने इनको स्क्वाड के अंदर रखना है, अभी प्लेइंग 11 के अंदर हम इन द फ्यूचर देखेंगे। साउथ शकील बाबर आजम के बाद सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड बैट्समैन, टेस्ट के कमाल किस्म के प्लेयर, डोमेस्टिक में परफॉर्मर, इसलिए इनको रखेंगे। इमाद वसीम जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, उनको टीम से निकाला है, कराची किंग्स को पिछला PSL जितवाया, इसलिए हम इमाद वसीम को भी इस टीम के अंदर रखेंगे। ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग एवरेज उनकी 40-40 रहती है इंग्लैंड के अंदर, बॉलिंग से भी वो आपको कमाल किस्म की बॉलिंग करके देते हैं, एटलीस्ट राइट नाउ शदाब खान से बेहतर ऑलराउंडर। मोहम्मद नवाज एज अ स्पिनर एशियन कंडीशंस के अंदर काफ़ी अच्छे इफेक्टफुल साबित हो सकते हैं। उस्मान कादिर एज ए जेन्युइन लेग स्पिनर हमारे साथ होंगे, बल्कि नहीं उस्मान कादिर आई डोंट थिंक, बल्कि चले 30 में हम रख लेते, उस्मान कादिर को भी रख लेते, ठीक है। कामरान गुलाम जिसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा, उसको आपने निकाल दिया, क्यों निकाला भाई मुझे नहीं पता है, वो भी कहता होगा मुझे क्यों निकाला, मतलब साइड लाइन कर दिया, खुद लाइन लगा दिया, तो कामरान गुलाम का क्या कसूर भाई, लेके जाओ ना उसको, कामरान गुलाम को होना चाहिए भाई। नुमान अली बैटिंग भी कर लेते हैं रीजनेबल किस्म की, बॉलर वो काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं। साजिद खान एक मैच दिया आपने उनको जिम्बाब्वे के अंदर ताकि वो भी फेल हो जाए, जिन्होंने हाईएस्ट विकेट्स लिए उनका कोई मतलब कोई वो ना हो, ये देखो मैं प्रूफ पे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं चांस देते हो दुबई के अंदर, क्यों नहीं चांस देते हो पाकिस्तान के अंदर, कोई तो वजह है ना उसकी, ये इल्ज़ाम नहीं है, फैक्ट है, ये प्रूफ करती हैं इसको चीज़ें, ये मैं ऐ भी नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। साजिद खान को चांस देते आप पाकिस्तान के अंदर खिलाने के लिए, उसको क्यों नहीं दिया। जाहिद महमूद फिर एक T20 खिलाया है, उसके बाद आप उसको लेके नहीं जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि यार जहाज वाला क्या मामला था, बट जाहिद महमूद है तो अब, बट जाहिद महमूद तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी होना चाहिए। फखर जमान, अमाद भट्ट होंगे, फहीम अशरफ को नहीं रखेंगे, अमाद भट्ट की बैटिंग भी बहुत बेहतर है, बॉलिंग भी वो बहुत बेहतर कर लेते हैं फहीम अशरफ की निस्बत। सोहेब मकसूद को रखेंगे हम T20 क्रिकेट के लिए, बस यार बाल ही खराब हो जाते हैं मेरे, ठीक हो गया फहीम अशरफ को नहीं रखने हैं हम, सोहेब मकसूद को 4 T20 क्रिकेट 30 मेंबर स्क्वाड के अंदर हैं। दानिश अजीज असद शफीक के ऊपर बात, नंबर 6 के ऊपर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई है असद शफीक ने, फिर भी वो आपकी टीम के अंदर नहीं है, क्यों नहीं है मेरे पास
इतना सा सवाल है भाई, इनको होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए सर शफी। शान मसूद, उस्मान सलाउद्दीन, एक सीरीज आपने करा है उसके बाद आपने उनको फुटे लाने का दिया, क्या मतलब है भाई इसका? वो भी इंग्लैंड में डेब्यू करवा दिया, अगेन दैट पॉइंट कम सर। आगा सलमान, इनको रखेंगे हम टेस्ट क्रिकेट के लिए, बेहतर प्लेयर है, काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। शुएब मलिक को सिर्फ एशियन कंडीशन के अंदर रखेंगे, इंग्लैंड वगैरह में शुएब मलिक का कोई काम नहीं, जैसे बाबरी आजकल इंग्लैंड वगैरह में कोई काम नहीं। मोहम्मद हफीज टी ट्वेंटी क्रिकेट, शाहनवाज धानी टेस्ट क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स के लिए अभी देखना पड़ेगा, बट आई थिंक ये तीनों फॉर्मेट्स के लिए अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर फॉर ओडीआई एंड टी ट्वेंटी क्रिकेट आई थिंक, एंड देन हारिस सोहेल फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। ये मेरी रहेगी 30 मेंबर स्क्वाड, जिसको अगर मैं पैसे देना चाहूँगा, मुझे लगता है ईमानदारी के साथ इनको मैं पैसे दे सकता हूँ। उसमें ना फहीम अशरफ है, ना इसमें अजहर अली है, बिल्कुल इसमें अजहर अली नहीं है, ना फहीम अशरफ है इस टीम के अंदर, ना आपके बाकी वो जो हारिस रऊफ हैं वो है इस टीम के अंदर। काफ़ी प्लेयर्स को मैंने साइड पर किया इस टीम से, तो ये मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीम आप खिलाएंगे तो आप जीतने लग जाएंगे, बट मेरे ख्याल से मेरिट के हिसाब से ये टीम बेहतर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, सबसे लंबी मेरी आज तक की लाइव स्ट्रीम के अलावा ये वीडियो रहने वाली है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँ अगली वीडियो के अंदर, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।